एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगंत अतोलय ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग्य गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब की दूसरी पौड़ी इसकी विचार आप जी के सामने रखनी है। इस तरह आरंभ होती है, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड़ियाई, हुक्मी उत्तम नेच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई है, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ता हो मैं कहे न कोए। पहली पौड़ी जपजी साहब दी आरंभ आउंदी है, सोचे सोच न हो गई, समाप्त आउंदी है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सारी पौड़ियां दा मजमून लड़ीवार है, एक पौड़ी नाल दूसरी जुड़ी हुई है, दूसरी नाल तीसरी जुड़ी हुई है। इस तरह नहीं कि कुछ पौड़ी पूर्व की गल कर रही थी, कोई पौड़ी पश्चिम की गल कर रही, नहीं, तरतीब वार है, सारी तरतीब वार है। पहली बाणी का नाम है जप। तो वास्तविक जप किसदा करना है, जप क्यों करना है, जप कदों करना है, जप किस तरह करना है, इस बाणी दे खुलासा है। ये सब कुछ गुरु नानक ने दसिया है, जप किसदा करना है, जप किवें करना है, जप कदों करना है, जप क्यों करना है। फिर जप करदिया करदिया पौड़ियां की बननगियां। अगर जप आरंभता है तो शिखरता की है, आखरित की है। आरंभता सच दा जप है, आखरित है सच दी प्राप्ति, सच खंड वसे निरंकार। सच दे जप तो आरंभ होई, सच दे च लीनता नसीब होई, जप तो यात्रा आरंभ होई, लीनता ते यात्रा समाप्त हुई। जप करना सच दे मार्ग दी आरंभता है, सच दा स्वरूप हो जाना ये उस मार्ग दी आखरत है, समाप्ति है, सच दे चलीन हो गए, सच खंड वसे निरंकार। सच की है इसका भी खुलासा जपजी साहब विच होवेगा, पर श्लोक दे साहिब ऐसा कह देंदे ने, आद सच जुग आद सच है भी सच नानक हो सी भी सच। अजे संसार नहीं सी, सच है सी। अजे समय दी आरंभता नहीं हुई सी, समय दी बनतर नहीं बनी सी, वक्त दी बनतर नहीं बनी सी, सच है सी। जुग आद सच जुगां दे आद दे समय दे आद दे है भी सच, हुण भी सच है, नानक हो सी भी सच। जद साड़ी होंद नहीं होवेगी, समय दी होंद नहीं होवेगी, संसार दी होंद नहीं होवेगी, तां भी सच है। संसार दे आद दे च ओही, संसार दे अंत दे च भी ओही, मद दे च भी ओही। उस सच दी प्राप्ति जीवन दा लक्ष्य है, ऐसा सारे दुनिया दे पैगंबरी पुरुषां ने मन्या है।
मनुख जी रही है मिथ देच पहुंचना है सच देच। मिथ मिथ्या, मिथ जो नहीं है उसनों पकड़न की कोशिश कर रहे। तृण की अगन मेघ की छाया, गोविंद भजन बिन हड़का जल। छाया नू पकड़न की कोशिश करता है, तिनकियां दी अगनू सदीव रखने की कोशिश करता है, ये हड़ दे पानी नू सदीव चांदा है ते लंघ गया। देखदियां देखदियां गया, संसार नू एक बहाव मनिया है, रुकया या कुछ भी नहीं, बहाव है। जितने चिर तक एक चीज ते हाथ पसारांगे वो लंघ गई अगे, सब बहाव चल रहे। तो जो चल रहे होवे उसनू कहंदे ने चंचल, चल चल जो चल रहे है चंचल। तन चंचल है, चल रहे असी बचपन दे च कुछ होर सी, असी जवानी दे च कुछ होर आंदे हां, असी बुढ़ेपे दे च कुछ होर आंदे हां। और पता है धार्मिक विज्ञान की कहंदा है, धार्मिक साइंस की कहंदी है, असी एक मिनट पहले जो सी हुण नहीं हां, बह रहे हैं। नदी दे तट ते असी खड़े हैं, एक सैकंड जो सामने पानी सी हुण ओ नहीं, ओते लंघ गया। जो कल साडा शरीर सी अज ओ नहीं है, इस चक्कर च ना पैना कि जो कल शरीर सी ओही अज है, वो अज नहीं है। कल दी गल छड्डो, जो शरीरे सवेरे शरीर सी ओ हुण नहीं है। मनुख कह देंदा ओही गंगा वग रही है, ओही नर्मदा वग रही है, ओही दजला वग रहा है, नहीं। तू जिथे खड़ा है पता नहीं कितना पानी लंघ गया, अगर पानी दे बहाव दा नाम दरिया है, तो जिथे तू खड़ा है वो पानी नहीं है, तो लंघ गया, तेरे देखदिया देखदिया लंघ गया। तो जे दरिया लंघ गया तो तू भी लंघ गया, तेरा शरीर भी लंघ गया। तू कल ए नहीं सी, तू सवेरे ए नहीं सी जो हुण है। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं हो जाता, हो रहा है। इस वास्ते धार्मिक ज्ञान कहता है शब्द किसे ते नहीं लगा सकते, है दी हालत दे कुछ भी नहीं है, हो रहा है। फिर ध्यान देना, है दी हालत दे कुछ भी नहीं है, है दा मतलब है रुकया होया टिकया होया, है दी हालत दे कुछ भी नहीं है। असी कहिए बच्चा है, पर धार्मिक विज्ञान धार्मिक साइंस कहती है नहीं, बच्चा हो रहा है, बहाव है। ये भी जो सवेरे सी हुण नहीं है, जो हुण है सवेरे नहीं होगा, ये तो बह रहा है। कोई बच्चा एक दिन दे ते जवान नहीं आता, रोज जवान हो रहा है, तो हो रहा है। तो किस तरह की ये बच्चा है, अगर है तो फिर हमेशा ही बच्चा रहना चाहिए, नहीं, ये तो बहाव है। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं हो जाता, रोज हो रहा है। कोई जवान एक दिन दे बुढ़ा नहीं हो जाता, रोज हो रहा है। तो हुण इस तो अगे भी मैं अर्ज कर दिया, कोई मनुख एक दिन दे नहीं मर जाता, रोज मर रहा है। इस नाल भी सहमत होना, कोई मनुख एक दिन दे नहीं मरता, रोज मर रहा है। तुसी आखोगे रोज मर रहा है, मोटे रूप से दिखाई देता है। किसी जवान नू आखिए तेरा बचपना किथे, कहिंदा मर गया, नहीं है। किसी बुढ़े नू आखिए तेरी जवानी किथे, कहिंदा मर गई खत्म। तो बचपना के एक दिन दे मरिया, रोज मर रहा सी। जवानी क्या एक दिन दे मरी है, रोज मर रही सी। क्या बुढ़ेपे की मौत एक दिन हुई है, रोज हो रही सी। कबीर इसनों आलमाना ढंग नाल बयान कर देने, अगर एक बच्चे ने एक मनुख ने औसत उम्र 70 साल लेंदी है, चलो 70 साल वो जीवेगा बच्चा, अज दा दिन लंघ गया ते मां कह रही है वड्डा हो गया, एक दिन वड्डा हो गया। कबीर कहंदे ने नापण दा एक होर ढंग भी, एक दिन छोटा हो गया, एक दिन घट गया।
ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਹੈ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਕ ਨ ਜਾਣੇ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ। ਤੇ ਘਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਉਮਰ ਜਿਤਨੀ ਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਪ ਤੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਚਲ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੰਚਲ। ਤੇ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਇਸਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹਿ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਚਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਚਲ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਉਰਝਾਇਆ। ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ, ਬਸ ਇਸ ਚੰਚਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਚੱਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝ ਬੈਠਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਨਾ, ਬਹਾਉ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਝਲਕ, ਉਸ ਨੈਚਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਟਿਕਾਓ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਮਿਟਣਾ। ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦ ਮਨ ਹੀ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਟਿਕ ਗਏ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸੋਚਣੀ ਟਿਕ ਗਈ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਯਾਦਾਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ। ਮਨ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਅਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਚਲ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਿਆ। ਮਨ ਮਿਟ ਕੇ ਹੀ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ? ਕੂੜ, ਝੂਠ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ? ਕੂੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ। ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਮਈਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ। ਇਹ ਪਤੀ ਕੋੜ, ਇਹ ਪਤਨੀ ਕੋੜ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੂਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲ ਦੇਣ ਸਭ ਕੋੜ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰੇ, ਅਸਰ ਵੀ ਪਵੇ, ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਥ। ਔਰ ਜੋ ਹੈ, ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਢਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੁੱਢਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
इस तो हुण होर मैनू कोई चंगा शब्द मिल नहीं रहा। धार्मिक विज्ञान, धार्मिक साइंस, वो कहिंदी है शब्द किसे ते भी नहीं जोड़ सकते तुसी, है दी हालत विच कुछ भी नहीं है, हो रहा है, बच्चा है नहीं जवान हो रहा है, जवान है नहीं बुढ़ा हो रहा है, बुढ़ा है नहीं मर रहा है। इसमें इस तरह कह देंगे, चूंकि जिस तरह का धार्मिक विद्वाना ने सच की व्याख्या की है उसनों बारीक शब्दों च बयान करिए फिर तो सिर खपाई हो जाएगी। पर मैं इतना ही अर्ज कर दिया है दी हालत विच कुछ भी नहीं है, असी जो सवेरे सी हुण नहीं हाँ और जो हुण हाँ सवेरे नहीं होवांगा, पल पल विच बदल रहे हैं। खड़े हाँ दरिया के कंडे ते ते आखिए ओही दरिया है ते ओही दरिया है, कल भी आए सी नहीं, पता नहीं कितना पानी बह गया, ओही थोड़ी है। अगर वगदे हुए पानी दा ना दरिया है ते वो पानी थोड़ी उते लंघ गया, उते बह गया। सब कुछ बह रहा है, सब कुछ चंचल है, ते जे सब कुछ चंचल है चल चल है तो इसकी मंजिल की है, किथे पहुंचना है? नह चल जो नहीं चलता उत्थे पहुंचना है। हर एक दी मंजिल न चले और सारे जीवन दी शाह ते ने, हाईवे ते ने, कोई साथों पिछे ने और किसे तो असी पिछे हैं। पिछे ने साथों पशु, मनुखां दे चों भी मनुख कुछ पिछे होणगे, हर हालत दे च मनुख मनुख तो अगे नहीं है, अनंत मनुख साथों अगे आउणगे, साथों अगे होणगे बेशुमार, और बेशुमार मनुखां तो असी अगे आवांगे। साडे पिछे भी हैं कोई मनुख, मनुखां दे पिछे भी हैगे ने पशु पक्षी, उन्हां दे पिछे भी बहाव चल रहा है बनस्पति है, और उसके पिछे भी बहाव चल रहे पत्थर ने रेत ने, उसके पिछे भी फिर बहाव है पानी है, उसके पिछे भी है कुछ धुंध है, और उसके पिछे भी कुछ है शब्द है, और फिर उसके पिछे भी है कौन? नहचल परमात्मा है, ज्योत है, नूर है, ईश्वर है। सब कुछ उस तो बह रहा है और सब कुछ उसकी तरफ जा रहा है, यह भी मैं अर्ज कर दिया। सारा उस तो आया, सारा ही उसे दी तरफ जा रहा है। जिस दिन इस किसे नू इसकी समझ आ जाती है तो फिर दूजी पौड़ी की मूल पंक्ति है, नानक हुक्मे जे बुझे ता हो मैं कहे न कोय। जिस दिन इस नियम की समझ आ जाती है, जिस दिन इस मर्यादा की समझ आ जाती है, जिस दिन इस हुक्म की समझ आ जाती है तो कह देंदा बस तू ही है, तू ही है, तू ही है, आदि भी तू, मद भी तू, अंत भी तू। ये बहाव तैथो होया, ये बहाव भी तू, बहाव लीन हो रहा है, तू ही अपने विच लीन हो रहे हैं, ये सब तू ही तू। मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा, ता हों मैं कहे ना कोहे। फिर वो नहीं आखदा मैं हां मैं हां, वो फिर एक ही कहिंदा तू है, तू है, तू है। ये खेड खत्म हो जाती है। तो सच होए बिना सच का पता नहीं चलता, सच होण तो मुराद सच की समझ, सच का बोध, सच का ज्ञान। जो मेरी समझ दे चाहे वही है, बाकी नहीं है। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, जो मेरी याद दे चाहे वही है, बाकी नहीं है। जो मेरे विचारां दे चाहे वही है, बाकी नहीं है। जो मेरी समझ च नहीं मैं किस तरह मन लवा है, जो मेरी स्मृति च नहीं याद दे च नहीं मैं किस तरह मन लवा है, जो मेरे विचारां दिच कदी नहीं आया मैं किस तरह कबूल कर लवा है। नहीं है जो मेरे विचार दिच नहीं है, नहीं है जो मेरी समझ दिच नहीं है, नहीं है
जो मेरी चेतना दे नहीं है, है लेकिन समझ दे नहीं है, है लेकिन विचार दे नहीं है, है लेकिन याद दे नहीं है। जैसे मेरे जेब देच एक कीमती हीरा है पर मेरी याद दे नहीं है। अगर किधरे याद दिच आ जाए तो फिर समझ दिच नहीं है, हीरा है पत्थर है। इस वास्ते जिसकी समझ आई है उसकी याद लाजमी, जिसकी याद आई है उसकी समझ लाजमी, नहीं तो याद भी बेमैने समझ भी बेमैनी हो जाती है। उस समझ भी संबंध नहीं जोड़ती अगर याद नहीं, और उस याद भी सही रिश्ता नहीं जोड़ती अगर समझ नहीं। इन्हां दोहां दा सुमेल चाहिए है। ये सत्संग समझ वास्ते है ते याद वास्ते है। वो परमात्मा साड़ी समझ दे चा जाए, साड़ी याद दे चा जाए, बस सत्संग दा यही लाभ है। गुरुद्वारे आण दा यही लाभ है, और गुरुद्वारे आके यतन भी यही करना चाहिदा है। यतन यही समझ दे चावे, याद दे चावे, कोशिश। जद अंदर चाहत मारीए याद केड़े पासे जा रही है, तो फिर ए समझ समझण दी कोशिश कर रही है कि नहीं। क्योंकि बुद्धि दा दीपक परिपूर्ण परमात्मा सारिआं नूं दिता है, बौद्धक दीपक सब नूं दे दिता है, मनुख नूं दे दिता है, बस मनुख दी महानता ही सही गल दी है। तो सच्यार किवें बणीए, भारत दे ऋषि मुनिया ने, प्राचीन संतां ने, उपनिषदां दे ऋषियां ने, सिमरतियां दे शास्त्रां दे आचार्या लोगां ने जो तरीका अपनाया वो ये कि सच्यार होण दे च बाधा की है। वो कहिंदे ने मन मैल है, मन मैले तो मेरा विचार मेले मैले ने, सोचनी मैली है, यादा मैलियां ने। तो मैल की है लोभ, मैल की है अहंकार, मैल की है वासना। सोचनी देच परधन है, यादा देच परतन है, और सब मेरे तो पिछे हों, मैं सारियां दे सिर ते होवां, ये अहं अहंकार है। बस यही मैल है, हो मैला मल कभू न धोवे, यही मैल है और कुछ भी मैल नहीं। ये मैल पानी नल नहीं धुलेगी, ये मैल किसे साबण नल नहीं धुलनगी, क्योंकि मैल बार है ही नहीं। अगर बाहर होंदी तो धो लेंदे। ये मैल मन विच है, ते मन दी मैल सिर्फ मैं वेख सकदा, मेरे मन दी मैल तुसी नहीं वेख सकदे। गुस्ताखी माफ, थोड़े मन दी मैल सिर्फ तुसी वेख सकदे हो, मैं नहीं वेख सकदा। मैं की सोच रहा थानू की पता, ते तुसी किस दी याद दिच बैठे हो मैनू की पता। की सोच रहे हो तुसी मैनू की पता, और मैं की सोच रहा थानू की पता है। दिन भर मेरे विचारां दे च की चलदा है, सोचने च की चलदा है, यादां दे च की चलदा है, थानू की पता। और मैनू की पता सारा दिन तुसी की विचार करदे हो, की सोचदे हो, की याद करदे हो। ते हाथ जोड़ के मैं माफी मंग लवां, धार्मिक मनोविज्ञान ये कहिंदे ने दिन भर जो विचार चलदे ने, जो सोचनी चलदी है, यादां चलदियां ने, 90% मैलियां ने, सिर्फ 10% ठीक ने। गुस्ताखी माफ। उपनिषदां दे ऋषि भी यही कहिंदे ने, गुरबाणी भी यही कहिंदी है। माई मन मेरो बस ना है, निसबा सुर बिखे अन्न को धावे, कह बिदरो को ताए। ते दिन रात गलती सोचदा है, गलती यादा। तो अंदाजा है 90% गलत विचारां ने। गलत विचारां तो मुराद पर तन बारे सोचता है, पर धन बारे सोचता है। यही मैल है और कोई मैल नहीं।
लोभ करके मन मैल है, काम करके मन मैल है, और अहंकार करके मन मैल है, और तो कुछ भी नहीं। जितनी विचार चल दी है, जितनी सोचनी चल दी है, जितनी यादा चल दी ने, उस दे साडा अहंकार आंदा है, लोभ आंदा है, काम आंदा है। और इस करके मन मैल है। तो किवें साफ करिए इसनों, इस मैल नु किवें धोईए, पहली समस्या। तो पुराने ऋषि मुनिया ने यह अंदाजा लाया, यात्रा पहले बाहर तो शुरू करिए। एकदम अंदर दी मनुख नु समझ नहीं आएगी, वाकई नहीं आउंदी। मनुख दी प्रार्थना भी बाहर है, मनुख दा पूजा पाठ सब बाहर चलता है। यात्रा पहले बाहर तो आरंभ करनी पैंदी है, हर एक नु करनी पैंदी है। और बाहर तो जो कुछ करनी पैंदी उहनू कहिंदे ने कर्म कांड। हिंदू धर्म दा अपना कर्म कांड है, इस्लाम दी अपनी शरह कर्म कांड है, सिख जगत दा अपना कर्म कांड है। कर्म कांड एक दवाई है, और इस दवाई दी उतने चिर तक लोड़ पैंदी जितने चिर तक मनुख तंदुरुस्त ना हो जाए। फिर तंदुरुस्त मनुख दवाई नहीं खांदा। इशारतन मैं इतना ही कह सकदा, क्योंकि कर्म कांड विच ग्रसिया होया मनुख और सारी जिंदगी बदपरेजी विच जीविया होया मनुख, जो तंदुरुस्त होंदा ही नहीं, ते दवाई जीवन भर जिसका अंग संग बन जाती है, और जद भी किधरे देखेगा ये ते दवाई खांदा ही नहीं, तो उन्हें कह देना है अधार्मिक है, ये शरह की पाबंदी निभांदा नहीं, ये ते अधार्मिक है। मंसूर ते यही इल्जाम सी, ये ते अधार्मिक है। और इसी तरीके दे नाल बड़े बड़े भगत संत जना ते यही इल्जाम सी अधार्मिक ने, कारण दवाई नहीं खांदे सन। भी जो असी कर्म कांड करते हैं तो करते ही नहीं, कुराइया कह दिता गुरु नानक ने, तो सूरज नूं पानी ही नहीं दिंदा। एकादशी का दिन है तो रोटी खा रहा है, वरत ही नहीं रखता। बेदिया दे घर जन्म लेके एक मुसलमान नू नाल रखी फिरदा, मर्दाने नू ओदे हथों खा लेंदा, इहनू सुच झूठ का भी पता नहीं। पर हुण कौन दसे, एक तंदुरुस्त मनुख नू दवाई की लोड़ नहीं है, एक स्वस्थ मनुख नू औषधि की लोड़ नहीं है, पर एक बीमार मनुख का रिश्ता ही बीमारां नाल जुड़दा है। गुरबाणी का फैसला, रोगी के भाणे सब रोगी। लंबे रोग दे जीण वाला मनुख किसी नूं तंदुरुस्त मन नहीं सकता, यह भी मैं अर्ज करते हैं। किसी मनुख दे बारे किसी नूं कहीए ना तो बड़ा दुष्ट है, उन्हें चोरी भी कीती है, सानू पता चले इसने धोखा भी दिता, अगला एकदम मन लवेगा, एकदम मन लवेगा, कोई प्रूफ नहीं मंगता, कोई दलील नहीं। तो जे कह दईए फलाना समाधि लीन हो गया, परम आनंद नूं प्राप्त कर लिया उसने, उते परमात्मा की मूर्ति हो गया, कहिंदा नहीं, एकदम मनन नूं जी नहीं करता। कारण संसार विच बहु गिणती ते रोगियां दी है, जो जो दी से सो सो रोगी, सारे रोगी, ते रोगी के भाणे सब रोगी। ते हुण कह दईए कद मनुख तंदुरुस्त भी है, भरोसा नहीं बनता। तो फिर तंदुरुस्त मनुख नूं की कहिंदे ने, अधार्मिक, ये औषधि क्यों नहीं खांदा, कर्म कांड विच क्यों नहीं प्रवृत्त। तो कर्म कांडियां दी दृष्टि च गुरु नानक कुराइया ने, भूतना बेताला ने, शरई ते कर्म कांडियां दी दृष्टि मुहम्मद सब काफर ने, यह भी मैं अर्ज करा, बदर दी लड़ाई दे एक पत्थर नाल उन्हां दे अगले दो दंद तोड़ दिते गए सन। इस लड़ाई दे किसे तरीके नाल बचाव करके ये नसे ने,
रात का वक्त है, बहुत वड्डी सेना नाल है। मैं पढ़ रहा सी इतिहासिक दिन, हैरान जिवें हजारां दी बहीर मुगल सेना गुरु गोबिंद सिंह जी नूं लभ रही है, कोटला पठाणा विच, माछीवाड़े विच, लुधियाणे दे आले दुआले पिंडां च, एक एक पिंड दी टोल बाल, और हजारां दे इस वहीर नूं गुरु गोबिंद सिंह नहीं मिले। हजारां लभ रहे ने, हर पिंड विच लभिया जा रहे, हर शहर विच लभिया जा रहे है, नहीं मिले, तो लाजमी किसी गैबी शक्ति ने अपनी आगोश विच ले है। वो वैगी शक्ति चाहे गनी खां दे रूप च आवे जा नबी खां दे या कोटला पठाणा दे जो है चौधरी दे रूप च आवे, लंबा चौड़ा इतिहास। कहिंदे ने भजदे भजदे मुहम्मद साहब थक गए, नाल अबू बकर है। कहिंदे ने अबू बकर हुण चलिया ते नहीं जांदा मेरे कोल, और दुश्मन पिछे ने और हजारां दी तादाद विच, हुण जे चलिया नहीं जांदा तो हुण खुदा ही कुछ करे। जितनी मेरी पैरां च शक्ति दित्ती सी खुदा ने, वो जवाब दे गई है, मैं नहीं बच सकता। एक गुफा सी पहाड़ विच, अबू बकर नूं कहा चलो इस दे चलिए, वो कहिंदा नहीं हजरत पकड़े जावांगे थे, पिछे आ रहे ने और साढ़े कदमां दे निशान नापते आ रहे ने, इत्थे ते पकड़े जावांगे नहीं, चल तू। दोवें चले गए। अबू बकर कहिंदा हजारां दी तादाद पिछे आ रही है और असी दो हजरत की करांगे। मुहम्मद साहब कहिंदे गिणती ठीक कर, तो ते बिल्कुल भुल गए, असी दो नहीं आ तीन आ। अबू बकर इधर उधर देखदा है, कहिंदा हजरत आपां ते दो ही आ। नहीं, अबू बकर कहिंदा तुसी हो मैं आ और ते कोई नहीं, नहीं गौर नाल देख मैं हां तू है खुदा भी है, तेना आप दो थोड़ी हैं, वो भी है तीजा भी है। कहिंदे एक मकड़ी ने जाला कर दिता उस गुफा दे अगों, जाला जद आए ने ये फौजी देखते ने जाला कोई पुरानी गुफा है, अगर हुणे किसे मनुख ने प्रवेश किया होंदा तो जाला ते टुटना सी। नहीं अबू बकर तीन सी, मैं हां तू है खुदा भी है। तो मैं अर्ज करा एक काफर क्यों ने सारियां दी निगाह विच बुतां दी पूजा दी मनाई कर दिती, कहन लगे नहीं अंदरों मेरा खुदा प्रगट हो गया। भगत कबीर कहिंदे ने क्योंकि कबीर दे पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया सी, शूदरां ते इतना दबाव पै गया सी, इन्हां नूं इस्लाम कबूल करना पिया भारत विच, नमाज नहीं पढ़दा। कबीर कहिंदे ने पढ़न जांदा मैं रोज, तैनूं देखिया नहीं कदी मस्जिद विच। तो कबीर दे बोल ने देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे, ये देही मेरी मस्जिद है, मन मेरा मौलवी है, ज्ञान दी नमाज मैं हर वक्त पढ़दा, तुसी पांच टाइम पढ़ दो मैं हर वक्त पढ़दा। हुण इस तरह का बंदा तो इंज दिसेगा, ये तो दवाई खांदा ही नहीं, ये तो औषधि खांदा ही नहीं, बीमार होकर औषधि नहीं खाता, जबरदस्ती खिलाओ नहीं खाता ता भी खिलाओ। तो मैर्ज करा इस तरह के मनुख जब कदी तंदुरुस्त हो जाते हैं, बीमार लोग उन्होंने तंदुरुस्त मनन नू राजी नहीं आते, क्यों? लंबी बीमारी दे जीण वाला गुरबाणी का फैसला रोगी के भाणे सब रोगी ने।
औषधि नहीं खा रहा, यदि श्रद्धा टूट गई है, एक ऑफर है, खिलाओ दवाई, पर कौन दसे तंदुरुस्त नहीं लौट। ये तो पहुंच गया, उसने चलना है, उसने भटकना है, जो रस्ते दे चेते, जो घर पहुंच गया हूं क्यों चले, हूं तो बैठेगा, बैठ के आनंद लेगा, थके माल आएगा। अक्सर इस तरह के पुरुष समझ दे चना आए। तो प्राचीन ऋषि मुनिया ने मन देते जो कूड़ दी मैल, कूड़ की जो दिखाई भी देंदा है, प्रभावित भी करता है, तो पकड़िए है नहीं, पकड़ दे च नहीं आता झूठ, इसनों अनर्वचनी कहते हैं, है नहीं है, नहीं है, है, ये दो जोड़ने पैंदे ने, है दी हालत दे केवल परमात्मा है, उसे नु कह सकते हैं है। संसार इन अनर्वचनी कहते हैं, है नहीं है, नहीं है, है, क्योंकि बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते नहीं है, दिखाई देता है, प्रभावित करता है, पर है भी नहीं कह सकते, भाव है, लंग पकड़ दे च नहीं आया। मैं फिर अर्ज करा, है नहीं है, नहीं है, है, इसनों गुरबाणी ज बयान कर दिए, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, समस्त ब्रह्मांड का जीवन है पर सुपने जैसा। पर सी ये नहीं कह सकते सुपना नहीं है, क्यों नहीं है, सुपना तो है, सुपना प्रभावित करता है, सुपने विच कोई अगम्मी वस्तु, कोई कीमती चीज मिल जाए, मन उतना ही खुश होता है जितना जागृत अवस्था विच। सुपने च कोई अजीज संबंधी प्यारा बिछड़ जाए, मन उतना ही दुखी होता है जितना जागृत अवस्था। सुपने विच मनुख ने कतल कीता है, कोई वड्डा जुर्म कीता है, मन इतना ही भयभीत होता है, मैला होता है जितना जागृत विच। तन प्रभावित होता है। सुपने विच मनुख ने दुराचार कीता है, यकीन जानो शरीर की ओही हालत बनती है जो जागृत अवस्था दे। तो फिर किस तरह कह दईए कि सिर्फ सुपना सुपना ही है, नहीं है, नहीं, नाले भी कहना पड़ेगा है, प्रभावित होया है तन, बकायदा असर होया है, तन का असर मन ते पैंदा, मन का असर तन ते पैंदा। पर सुपने तो मुराद ए नहीं, नहीं है, है शायद नहीं है, अनर्वचनी, ऐसा नहीं कह सकते है, सिर्फ है, इति परमात्मा है, संसार है नहीं है, नैनो देखत ए जग जाई, इति भाव है, इति जा रहे है नहीं है, हैगा सी बचपना किसी वक्त नहीं है, आज ऐसी जवानी आज नहीं है, हैसन मां बाप आज नहीं ने, फरीदा किथे तैडे मापिया, जिन्नी तू जने कल ते हैसन, मेरी मां भी सी, मेरा पिता भी सी, बाबा फरीद, पर हुण नहीं ने, फरीदा किथे तैडे मापिया, जिन्नी तू जने तै पासो ओ लद गए, तू अजय ना पतीने, तेनू अजय भी समझ नहीं आई सब कुछ सपना है नहीं है, कल मां सी अज नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते मां नहीं सी, है सी अज नहीं है, ये नहीं कह सकते कि पिता नहीं सी, है सी अज नहीं है, बहाव है, कल मां सी अज नहीं है, कल पिता सी अज नहीं है, अज मैं हां कल नहीं होवांगा, अज हां कल नहीं होवांगा। कहिंदे ने मनुख किसे हद तक कबूल कर लेंदा है सब कुछ दे प्रति, सियाणे तो सियाणा मनुख, भई ये सब कुछ है कल नहीं हो जाएगा, पर पुरखा उस दिच तू भी ते है ना, तू कबूल कर, तू भी नहीं हो जाएगा।
तेरे बच्चे भी कह देंगे कल ते पिता सी आज नहीं है, कल ते मां सी आज नहीं है, सब कुछ देते मोर सुपने दी लांदा है अपने ते नहीं है, नहीं है दी हालत दिच कुछ भी नहीं सिवाय परमात्मा तो, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ है शायद नहीं है, नहीं है है। इस तरह की जिस दी हालत होवे उसनू कहदे ने कोड़ झूठ। ये झूठ दी महल ये झूठ दी दीवार किवें टुटे, क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टुटे पाल, जो है ते नहीं हो जांदा है ते जो नहीं है है हो जांदा है, बस इसे दी पकड़ है, जो है ते कतई नहीं नहीं होंदा, है हमेशा है आद सच जुगाद सच ए भी सच नानक होसी भी सच, जो है हर वक्त है। इस दे विचकार दीवार की है, जो है नहीं है बस ए दीवार है और कोई दीवार नहीं, ये जीवन दीवार है जो है नहीं है। फिर इस जीवन वास्ते सब कुछ चाहिए, जो है कल नहीं हो जाता, जीवन सीमित है, फिर इस जीवन दे लई मनुख लंबा लोभ लंबी वासना लंबा अहंकार। अगे पौड़ियां च इसका सारा खुलासा आवेगा। ये थोड़ी एक मैं 100 साल जीवना है, जे जुग चारे यार जा मैं लखां साल जीवना है, तो फिर लोभ भी इतना चाहिए है। मैं लखां साल जीवना है, 4 युगां तक जीवना है, उस तो भी ज्यादा जीवना है, तो फिर हंकार भी उतना ही चाहिए है, वासना भी उतनी चाहिए है, फिर तो सारा पसारा भी उतना ही चाहिए है। इस वास्ते कहते ने मन एको ही साधना नाल टिकदा, मैं दोहरा दया मौत नु कबूल कर दया, कितना मनुख जप तप करे कितनी बाणी पढ़े मौत कबूल नहीं, मन नहीं टिकदा, बाणी दे पढ़दया भी नहीं टिकेगा, गुस्ताखी माफ, सेवा करदया भी नहीं टिकेगा, दान पुन करदया भी नहीं टिकेगा, बड़े बड़े दानियां दे मन भटकते थोनू मिलणगे, बड़े बड़े ज्ञानियां दे मन थोनू भटकते मिलणगे, बड़े बड़े सेवा करन वालियां दे मन थोनू भटकते मिलणगे। हां सेवा करदे होया और बाणी पढ़दे होया ज्ञान हासिल करदे होया जप तप करदे होया दान देंदे होया एक गल नाल कबूल हो जाए कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास ओए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। मैं उस दिन अर्ज की थी सी शरीर ते मौत आउंदी है, शरीर नू राख कर देंदी है खाक कर देंदी है, ते मौत नू जद मन कबूल कर लेंदा है तो मन परमात्मा हो जाता है, नूर हो जाता है, ईश्वर हो जाता है, क्योंकि मन मिट के परमात्मा हो जाता है। मन दा मिटना की अपने विचारां दा मिटना, ते अपने विचारां दा मिटना की लोभ दा मिटना काम दा मिटना हंकार दा मिटना, विचारां च यही कुछ है। मन दा मिटना की यादां दा मिटना, तो अपनी यादां दे च है कि, तो मैर्स करां यादां दे च पदार्थ ने, वासना है लोभ है हंकार है, और है कि सोचनी दे च यही कुछ है। मन मिट गया अपनी सोचनी मिट गई, कहो कबीर बुद्ध हर लई मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई। कहिंदा जप ने ते मौत नू जद मैं कबूल कीता, कहो कबीर मरण मन मानिया, मन ने मरना कबूल कर लिया, भगत कबीर कहिंदे ने तस्लीम कर लिया कबूल कर लिया, ते फिर होया कि परमात्मा ने मेरी मत चुरा ली। कहो कबीर बुद्ध हर लई मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई। परमात्मा दा एक नाम हर है, ते हर दे 18 अर्थ ने, ते हर दा एक अर्थ अर्थ ए है हर लेना चुरा लेना, तो हरी दा अर्थ चोर भी है, हैरानगी है। इस मामले च भारत दे संत निराले ने कि रब नू ए नाम देन लगया संकोच नहीं कीता, भी कम से कम रब नू चोर क्यों कहया,
चोर विच एक गुण है, जिस दे घर प्रवेश करेगा रात दे समय, प्रवेश इस ढंग नाल करदा है घर वालियां नूं कुछ नहीं पता चलता। अगर घर वालियां नूं कुछ पता चले तो कहिंदे ने चोर अनाड़ी है, ना समझ है, ना सिखी है, घरों सब कुछ चुक लैंदा है, कीमती चीज, घर वालियां नूं कुछ नहीं पता चलता। घर तो बाहर हो जांदा है, घर वालियां नूं कुछ नहीं पता चलता। जागदे ने घर वाले, होश दे चांदे ने, तो उदों पता चलता है ते कोई चोर आया से, ले गया सब कुछ, चला गया। कहिंदे जिस वक्त मनुख दे अंतर करण दे च, अंतिश करण दे च परमात्मा प्रवेश करदा, उस समय नहीं कुछ पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। हालत वो समाधि दी होंदी, अखां मीठियां होईयां, जप दी हालत अंधेरा होंदा है, इंज भी कह लो। उस हालत दे च वह परमात्मा मनुख दे अंदर प्रवेश करदा है, उस वक्त कुछ भी नहीं पता चलता। कहिंदे ने जब थोड़ी जिहा होश मनुख नूं आउंदी है तो हैरान हो जांदा है, ये अवस्था किस तरह बन गई मेरी, हैरान हो जांदा। इसका पूरा निखेड़ा कीता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, दिन एक अजब आत्म राम, जह अमित तेज अवगत अकाम, ये कौन आए आत्म स्वरूप, जह अमित तेज अवगत अभूत। ये परम प्रकाश, ये परम चानना, ये परम सुख कौन है, ये कदों आया है, इसने कदों प्रवेश कीता है, ये कौन है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ए वाक अभ्यासी दे वाक, ये सब कुछ आया है, आमदियां ते नहीं पता चलिया, चोर दी तरह आउंदा है, हरी कुछ लै भी जांदा है। कि कहो कबीर बुद्ध हर लई मेरी, हरी ने मेरी बुद्धि चुरा ली, जिहड़ी मेरी सोचनी सी, जो मेरे विचार सन, जो मेरियां यादां सन, सारियां चुरा लईयां, अपने विचार दे दिते, अपनी सोचनी दे दिती, अपनी अकल दे दिती, अपना सब कुछ रख गया, मेरा सब कुछ ले गया, मेरे सारे दुख ले गया, अपना परम आनंद रख गया, मेरा सारा अंधेरा ले गया, अपना परम प्रकाश रख गया, मेरे सारे गुनाह ते पाप ले गया, अपनी सारी पवित्रता रख गया। ऐसा चोर तुच्छ लेके चला गया है, महान दे के जो है उसने दे देता है, सारी गलाजत सारे गुनाह चुक के ले गया है, सारे पुन सारी पवित्रता दे देती। कहो कबीर बुद्ध हर लई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। कहिंदा मेरी बुद्धि उस परमात्मा ने हर लई, चुरा लई, मैनू नहीं पता चलिया किवें लै गया। कबीर बड़ी हिम्मत दी गल, मेरी सोचनी ले गया, शुद्ध में ना शुद्ध रही, मत में ना मत है, वो मेरी अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रही, मेरी अपनी अकल नहीं रही, वो तो ले गया। कदों ले गया तो कदों उसने प्रवेश किया है पता ही नहीं चलिया, चोर दी तरह आया है, ले गया सब कुछ, रख गया अपनी सोचनी, रख गया अपनिया यादा, रख गया अपना ज्ञान, जिस दे च आनंद ही आनंद सी, प्रकाश ही प्रकाश, खुशियां ही खुशियां सन। तो खैर पाल मैल कूड़ दी है, दीवार कूड़ दी है, मैल मन ते कूड़ दी है। तो मैं फिर अर्ज करा, कूड़ किसनू कहना है, नहीं है, नहीं है, है सिर्फ, ऐसा नहीं कह सकते है। कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार, गुस्ताखी माफ़ूं, चूंकि सतगुरु की पंक्ति मैं अर्थ कर दिया, हैगी सी पत्नी अज नहीं है, ऐसी पति अज नहीं है, आखिर दोवां विच इक ते वारी वारी जांदा है, कल ते है सी अज नहीं है, कल ते है सी अज नहीं है, है नहीं है, कल ते मां है सी अज नहीं है, कल ते पिता है सी अज नहीं है, कल ते बचपना है सी
आज नहीं है। कल ते जवानी है सी, आज नहीं है। जो है नहीं हो जाता उसनू कूड़ कहते, उसनू सुपना कहते। जो है ते नहीं, ते है ते नहीं दे पति पत्नी भी ने, जिस संबंध करके नानके दादके सहुरियां दे संबंध बनते ने, मूल रिश्ता है नहीं है, नहीं है, है सब कुछ कूड़। ते मनुख नू सच नहीं चेते आ रहा, किधरे पदार्थां करके, किधरे परिवार करके, किधरे हंकार करके, होर किस करके, किधरे पुत्र सामने ने, मित्र सामने ने, पत्नी सामने, पति सामने, या उसका अक्स, उसका प्रभाव, उस दिया विचार हां, तो गुरु नाल जुड़ना औखा। किधरे पदार्थां ने इतना भयंकर रूप बना लिया सामने, हुण परमात्मा नाल जुड़ना औखा। किधरे हंकार दी इतनी भुख कि चंगा ना हो रखाए के जस की रथ जगले, सारी दुनिया दी जबान ते मेरा ना होवे, हर जबान मेरी उपमा दे चोवे, दुनिया दे अखबार टीवी रेडियो मेरा ही जस गायन करन, हर जबान ते मेरे ही चर्चे होवन, और नौ खंड पृथ्वी दे च मैं जाने आ जावा। किधरे हंकार दी ये भुख, किधरे परबल लोभ और किधरे परबल वासना मोह, किधरे परिवार की दीवार, किधरे पदार्थां की दीवार, किधरे प्रभुता की दीवार, ये किवें तोड़ी है? क्यों सचे आरा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल? तो महाराज कहने हुक्म रजाई चलना। जो जो तरीके ऋषि मुनिया ने दसे सन, मैं कल खुलासा किया। पुराने ऋषि मुनिया का यह कहना सी, इशनान करो, रोज करो। ये ठीक है, रोज इशनान करने ही सानू हिदायत है। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। मैंने चंगी तरह याद है, पिछले साल जब एक मुस्लिम विद्वान दास दे नाल सी टोरंटो च, वो हैरान होया क्योंकि वह सवेरे सिर्फ उजू करता सी, हाथ मुंह धोंदा सी ते नमाज पढ़ लैंदा सी। मैनू कहण भी लगा, मैं थोड़े कमरे च नमाज पढ़ा, थोनू इतराज ते नहीं? मैं कह इतराज करदा, तू रब दा नां लैणा लै। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी भी उन्हां दे नाल नाल सन, एक दो सज्जन होर भी दास दे नाल सन, असीं ठहरे हुए दो तीन कमरे नाल नाल, पर वह मेरे कमरे सी उत्थे ही। मैनू कहण लगा, रोज इशनान कर दे। मैं कह, सारा सिख जगत, भारती पुरानी तहजीब, रोज इशनान हद हो गई। कहिंदा अच्छा, मैं कल वुजू दी थां ते इशनान करके देखांगा। एक दिन उसने कीता, यकीन जानो फिर ज्ञानी बलविंदर सिंह नूं कहण लगा, ये थोड़े कोले फालतू कपड़े हुण ते मैनू भी दे, मैं इशनान करिया करा, पाओ कछहरा इत्यादि इन्हां ने दे दिता। ते जद रोज इशनान करन लगा, कहण लगा, ज्ञानी जी अद्धा सिख ते तुसीं मैनू बना दिता। इंज कहण लगा, कहिंदा बड़ा आनंद आंदा, ते इशनान करके नमाज पढ़िए, ताजगी बड़ी है, सुफुरती बड़ी है। कहिंदे ते सानू पहली दफा पता चलिया। जद मैनू कहण लगा, साडे पैगंबर ने इस तरह क्यों नहीं आख्या? मैं कहा, थोड़ा पैगंबर अरब देशे च होया, एक एक बूंद पानी दी जिथे लोग तरसते हैं, पानी है ही कोई नहीं, उत्थे पानी नू बड़ा संभाल के रखना पैंदा जिथे, और अज भी इतना पानी नहीं, मरुथल जोड़ां दा पानी साल साल संभाल के रखना पैंदा सी, मशकां दे च होर तरह तरह के तौर तरीके। तो मैं कहीं इशनान करन दी इजाजत दे दें दे, ते पींदे ही कित्थों पानी, इतना है सी, है ही नहीं सी। हुण भी समुंदर दे पानी नूं साफ करके वरत दें, जद आबादी वध गई है। कहिंदा गल थोड़ी ठीक है। मैं कहा, यही गल है, होर कुछ नहीं है। मुरदियां नूं दफन करन वास्ते कि जंगल कित्थे सन, लकड़ां कित्थे सन, उत्थे इतना जंगलात ही नहीं सी, चलो रेत परे करो ते मुरदे नूं दब दो, मजबूरी, होर की करन, वक्त दी लोड़, वक्त दा सिलसिला, जो थोड़ी धार्मिक मजहबी रस्म बन गई है, इत्थे मजबूरियां सन, इत्थे वक्त दियां जो है लोड़ां सन।
खैर इशनान नू उसने तस्लीम कीता कि तन मन देते अच्छा प्रभाव पैंदा है। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। सिमरन कर मन अरोग होवे, रोजमर्रा इशनान कर ताकि तन दी सफुरति बनी रहे ते तन दे बेशतर रोग इशनान नाल दूर हो सकते ने ए जान। ऐसा गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान। तो सिर्फ ए तन वास्ते है, मन तन भय अरोगा। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, सिमरन कर मन दा इशनान, इशनान कर तन दा इशनान। तन नू अरोग बना ते मन नू आनंदित बना। तो तन दे तल ते ते ठीक है, पर कई इशनान करन नाल कूड़ दी पाल टूट जांदी है, लोभ दुल जांदा है, परिवार दा सारा वासना भरा मोह टूट जांदा है, धुल जांदा है, हंकार धुल जांदा है, ये गलत है। इस नाल गुरु बाबा जी सहमत नहीं होए। सोचे सोच ना हो वही जे सोची लखवार। इस तरह दे इशनान नाल मन पावन नहीं आता, भावें लखां दफा इशनान करिए। फिर मैं दोहरा दें, दूसरी समस्या है मन चुप नहीं करता। वाहिगुरु वाहिगुरु जपो तो रसना वक्ता बनी हुई है, मन भी वक्ता बने, मन कुछ होर बोली जाता है, वह भी जपी जाता है। हुण उहनूं आखी तू चुप कर तू सुन, असी गुरु मंत्र पई पढ़ दीए रसना, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। रसना जद वक्ता बनी हुई तू स्रोता बन, नहीं। मन स्रोता बन जाए, इन्हों कहिंदे ने मन सुरत दे च है, सुन रहा है। तो जब मन सुरत दे च आउंदा है तो मन नू सुरत मिल जाती है, समझ मिल जाती है। मने सुरत होवे मन बुद्ध। और जैसे मन नू बुद्ध मिल जाती है, सुरत मिल जाती है, समझ मिल जाती है, तो सुरत लीन हो जाता है, ध्यान मगन हो जाता है, लीनता नसीब हो जाती है। मैं कलर्स कीते सन सुरत दे अर्थ तीन, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। मन सुनदा ही नहीं, नहीं सुनदा। मन का शौक है सुनाण दे, चुप नहीं करदा। अगर जबान दे तल ते चुप कीते मनुख दिखाई देन तो यह ना समझना है मन दे तल ते भी चुप। हर एक दा मन कुछ ना कुछ बोली जा रहा है, हर एक दा, और हर वक्त। पाठ करदे होया मन पाठ नहीं करदा, जबान करदी है। जप करदे होया जबान जप करदी है वाहिगुरु वाहिगुरु, मन नहीं करदा। कीर्तन कथा विचार बाणी पढ़दे होया गुस्ताखी माफ, जबान पढ़दी है। मन दा एक निक्का जिहा हिस्सा साथ नाल आउंदा है, मन नहीं पढ़दा। मन बोलदा है, मन नाल जुड़दा नहीं, सुनदा नहीं है, मन स्रोता नहीं बनदा। जबान वक्ता बने, मन स्रोता बने, मन सुने पर यह सुनदा नहीं। तो इहदा तरीका अपनाया सी भारती ऋषि मुनिया ने, मौन धारण करो, पांच साल दा, दस साल दा, वीह साल दा, जबान चुप कर जाओ, एक दिन मन चुप कर जाएगा। गुरु नानक कहिंदे ने नहीं, चुप है चुप ना हो वही जय लाहे रे हाल लिवता। लंबा मौन धारण कर ले, भी साल दा, पंजी साल दा, तू चुप ही करी जाए, बोले ही ना, ता भी मन चुप नहीं करदा, मन बोलदा है। ए वक्ता ही बनदा है, स्रोता नहीं बनदा। इस वास्ते इसनू समझ नहीं आउंदी, ए लीन नहीं होंदा, ए इलाज नहीं है। तीसरा ए है, मन विच इतना प्रबल लोभ है, ए कदी तृप्त नहीं आउंदा, क्योंकि लोभ की सीमा नहीं है। इस वास्ते मन कतई तृप्त नहीं आता। तो जो तृप्त नहीं, उन्हों पाठ पढ़दे भी अपनी बुख चेते आवेगी, पदार्थ चेते आएंगे, परमात्मा नहीं। इन्हों गुरुद्वारे बैठिया भी लोभ करके संसार चेते आवेगा, निरंकार नहीं। क्यों? मन तृप्त नहीं आता। तो तरीका यह अपनाया कि मन जो कुछ मंगता है इनू देण दी कोशिश करो। जो खाण नू मंगदा, जो हंडाण नू पण, ते पाप दी भावना परे सुट दो भी ये खाणा ये पीणा पाप है। ते किधरे पाप दी भावना पैदा होवे ते सब कुछ मंदर दे च करो,
तो आप दी ग्यात ली अर्ज करा, मंदिर देवदासियां दे अखाड़े मंदिर दे शिकंजे अजे भी बने हुए ने, उत्थे संडे वड़े जांदे ने, अज भी कुमिखिया देवी दा मंदिर काली देवी दा मंदिर, अज भी शराब दे दौर चलते ने, भैरव काल दा मंदिर उजैन अज भी, किसी जमाने च व्यापक पद्धर दे सन। वाम मार्गियां दा ख्याल मन जो मंगदा देओ जो कुछ ही, ते पाप दा अंदर ख्याल ना आवे तो मंदिर दे च करो, धार्मिक मंदिर दे च करो, ताकि एक दिन मन तृप्त हो जाएगा। फिर ये एको ही दफा रब दा नां लेगा ते जुड़ जाएगा, क्योंकि इसनूं समझ आएगी कि संसार दा कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो मैनूं तृप्त कर सके, ते ये उस तों तृप्त हो जाएगा, पदार्थां दी मंग नहीं करेगा। महाराज कहिंदे नहीं ये करेगा, ये फिर भी करेगा। भुखया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां बार, इस धरती नहीं होर धरतियां दे भी पदार्थ आ जान तां भी मन दी भुख नहीं मिटदी, नहीं रजदा, ये होर मंग करदा है, होर मंग करदा, और इसनूं समझ नहीं आउंदी कि मैं तृप्त नहीं हो सकदा, ये कोई इलाज नहीं है। मन एको ही गलती बार बार करदा है और करी जांदा है, करी जांदा है। ना करे तो वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उपनिषदां पढ़ो, सिमृतियां पढ़ो, और तरह तरह दा होर ज्ञान हासिल करो, इतने स्याणे बन जाओ, इतने विद्वान हो जाओ कि मन गलतियां दोहराए ना, रिपीट ना करे, बार बार एक कोई गलती ना करे, इतने स्याणे बन जाओ। महाराज कहिंदे कोई स्याणप कम नहीं आवेगी। जे एक अनपढ़ ते मूढ़ बंदा एको गलती बार बार करदा है, पढ़ा लिखा भी करेगा, ज्ञानी भी करेगा। सह स्याणपा लख होए तां एक ना चले नाल, विद्या तो लखां तरह की इकट्ठी कर ले ते बड़ा दार्शनिक विद्वान बन जा, तो दुनिया के जेडे विद्वान ने कोई भगत बन जाते ने, संत बन जाते ने, कोई पढ़े लिखे जेडे बंदे ने समाधि लीन हो जाते ने, नहीं, मूर्ख भी एको तरह की गलती बार बार करते हैं, पढ़े लिखे भी करते हैं, गुस्ताखी माफ, ये तो कोई इलाज नहीं। तो फिर की इलाज है? क्यों सचे आ रहा हो ये, क्यों कूड़े तुटे पार, फिर इलाज की है? फिर किवें एक कूड़ की कंध टुटे, फिर किवें एक कूड़ की मैल धोले, तो फिर किवें सचियार बनी है? तो गुरु नानक कहिंदे ने हुक्म रजाई चलना, नानक लिखे आना हुक्म दी रजा विच चलना, हुक्म नू मन लेना। किहड़े हुक्म नू? लिखिया नाल जो तेरे नाल लिखे, इसनू पढ़, इसनू समझ, ते इसनू मन। ये हुक्म की है? इस दी वजाहत मैं हुण तुहानू लेट ना करा, दौरान विच मेरा समा लग गया। दूसरी पौड़ी है हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई, ये खुलासा मैं कल थोड़े सामने करांगा। ते पातशाह कहिंदे ने कि कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जात। जिसने इस हुक्म नू समझ लिया, हुक्म नू मन लिया, उन्हों परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उसने परमात्मा के राज नू जान लिया, उसनों सब कुछ पता चल गया। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। पर हुक्म नू पहचान सकीए, उसका हुक्म की है? हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल तेरे नाल लिखिया है। हुक्मी का हुक्म हर एक दे नाल लिखिया होया है। हैरानगी किस ढंग नाल नाल लिखिया है, किवें नाल लिखिया है? गुरु नानक इसका जो खुलासा करते हैं तुच्छ बुद्धि अनुसार, मैं कल थोड़े सामने रखांगा। इत्थे ही समाप्ति। हुण गुरु के कीर्तनिया पासों आप महान एक शब्द सरवण करो, आनंद साहब का पाठ समाप्ति होगी। भुल चुक दी क्षमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।